तो दोस्तों सलमान खान, ऐश्वर्या रॉय और विवेक ओबेरॉय पर सलमान खान के पिता सलीम खान का बड़ा बयान। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान आए दिन चर्चा में रहते हैं। हाल ही में एक्टर के घर के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी हुई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है, लेकिन सलमान खान का विवादों से पुराना नाता है। एक बार सलमान खान के पिता सलीम खान ने खुलासा किया था, एक्टर को काफी जल्दी गुस्सा आता है। जूम को दिए एक इंटरव्यू में सलीम खान ने बताया था कि एक बार भाईजान सलमान खान ने मशहूर निर्देशक सुभाष घई को थप्पड़ मार दिया था। हालांकि इस घटना के अगले दिन जब एक्टर ने अपने पिता को बताया था तो उन्होंने सलमान खान को तुरंत माफी मांगने को कहा। सलमान खान को सलीम खान ने कहा था कि तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। इसके बाद सलमान ने अपने पिता की बात मानते हुए डायरेक्टर सुभाष घई से माफी मांगी थी। इसके अलावा सलमान खान का अभिनेता विवेक ओबेरॉय से झगड़ा हुआ था। दरअसल सलमान खान और विवेक ओबेरॉय के झगड़े की वजह ऐश्वर्या राय थी। दरअसल ऐश्वर्या और सलमान खान का साल 2002 में ब्रेकअप हो गया था। एक्ट्रेस ने सलमान खान पर मारपीट से गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद विवेक और ऐश्वर्या एक दूसरे के करीब आने लगे थे, लेकिन सलमान खान को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने विवेक ओबेरॉय को फोन करके धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। खुद विवेक ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी थी। सलमान और विवेक के बीच हुए इस झगड़े ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद से विवेक को फिल्में मिलनी बंद हो गई थी। कहा जाता है कि विवेक का करियर बर्बाद होने की वजह सलमान खान है। वही इस झगड़े पर रिएक्ट करते हुए सलीम खान ने कहा था कि वह दोनों उस वक्त इमोशनल हो गए थे और ऐसे झगड़े का कोई समाधान नहीं होता, लेकिन सालों बाद उन्हें एहसास होगा कि वह एक बेवकूफी भरी बात पर लड़ रहे थे। उसे ले कोई और गया है और चली किसी और के साथ गई। ये दोनों वही के वही रह गए। वैसे दोस्तों आपका इस बात पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी सलमान खान के डाई हार्ट फैन है तो ऐसे ही सलमान खान से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।